नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। तो आज वापस बात करते हैं बड़ी इलायची की कि बड़ी इलायची तेजी में चली या मंदी में चली, आपको भाव देंगे सिलीगुड़ी और गुवाहाटी के। दोस्तों लेकिन चैनल पर नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, लगता हो वीडियो शेयर के लायक है तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और वीडियो को पूरा देख के जाइएगा। तो आज सिलीगुड़ी में थोड़ी सी तेजी नज़र आ रही है, तेजी दिखाई दे रही है, भाव के अंदर थोड़ा सा तेज हुआ है। और गुवाहाटी की अगर बात करते हैं तो गुवाहाटी में जो कल भाव था वही आज भाव है। आपको दोनों जगह के भाव दे देते हैं सबसे पहले, उसके बाद अगर होगा तो चर्चा करेंगे। तो सिलीगुड़ी का जो भाव चला है नेपाल टॉप जीजे का चला है 1081 रुपये, एक्स्ट्रा बोल्ट की अगर बात करें तो 1151 रुपये, और दाने की बात करें तो 1500 रुपये गया है। तो मतलब 30-31 रुपये की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, क्योंकि कल तक 1051 के करीब था, आज 1081 के करीब है। गुवाहाटी की बात करें तो गुवाहाटी जीजे आज भी 1100 रुपये ही है, किसी तरह का कोई करेक्शन या वगैरह कुछ नहीं है, ना तेजी में है ना मंदी में, जो कल भाव थे वही आज भाव है। नेपाल बोल्ट की बात करें तो 1150 रुपये, और भूटान बोल्ट की बात करें तो 1175 रुपये, और दाने की बात करें तो 1500 रुपये। मतलब दाना जो है सिलीगुड़ी और गुवाहाटी दोनों में सेम भाव चल रहा है, और भूटान बोल्ट और नेपाल बोल्ट दोनों सेम ही रेट हैं, इसमें भी किसी तरह की कोई करेक्शन बिल्कुल भी नहीं है। और नई फसल की बात बोल देते हैं, अभी तक आनी चालू नहीं हुई है, जैसे ही फसल की कोई खबर आएगी हमारे पास में कि फसल आनी चालू हुई है तो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा देंगे। अभी तक तो जो भाव है उस भाव के हिसाब से तो आगे तेजी दिख रही है, आगे तेजी शायद दिखती रहनी चाहिए। बाकी आने वाला ये मंथ जो सेप्टेम्बर है उसमें फसल कितनी आती है, कितनी मार्केट में उतरती है, उसी से ही अपने को अंदाज़ा लगेगा कि आगे क्या होने वाला है। तो आज के वीडियो में कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास में, आज की वीडियो में इतना ही। और यहाँ तक दोस्तों वीडियो देख लिया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, लगता हो वीडियो शेयर के लायक है तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेशन अगले भाव के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।